हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। हाल ही में केंद्र सरकार ने एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 में संशोधन करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा करने वाले लोगों के ऊपर गैर जमानती अपराध घोषित किया है, जिससे लगभग 123 वर्ष पुराना यह अधिनियम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तो जानेंगे इस एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट कब आया। तो देखिए, 1897 में जब ब्लैक डेथ नाम का एपिडेमिक मध्य एशिया में फैला और फिर इंडिया में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा था, इस कारण भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य जे वुड्सवर्न ने सर्वप्रथम 28 जनवरी 1897 को ब्लैक डेथ के नाम से प्रसिद्ध ब्यूबोनिक प्लेग के प्रकोप के दौरान महामारी रोग विधेयक को प्रस्तुत किया था। उस दौरान भी लोगों के इधर से उधर सफ़र करने के कारण मध्य एशिया भारत में ये महामारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी, जिससे प्रति सप्ताह 1900 लोगों की मौत हो रही थी। ये एपिडेमिक काले चूहों के ऊपर रहने वाले पिस्सुओं के कारण फैल रही थी। भारत में इस एपिडेमिक का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मुंबई में पड़ा। फिर इसके बाद ये एपिडेमिक भारत के अन्य राज्यों में फैल रहा था। इसीलिए उस समय की गवर्नमेंट को ये ज़रूरी हो गया था कि कोई रूल बनाए ताकि ये महामारी अन्य राज्यों में न फैल पाए। इस प्रकार की महामारियों से लड़ने के लिए सरकार के पास जो शक्तियाँ थीं वे शक्तियाँ काफ़ी नहीं थीं। भारत की उस समय की स्थिति को देख कर काफ़ी देश चिंतित हो गए थे और रूस का अनुमान था कि इस बीमारी के कारण ये पूरा उपमहाद्वीप संक्रमित हो सकता है। इस विधेयक में भारतीय प्रांतों और स्थानीय सरकारों को विशेष शक्तियां प्रदान की गईं, जिसमें ट्रेनों और समुद्री मार्गों के यात्रियों की जांच करना भी शामिल था। विधेयक में कहा गया था कि इसमें मौजूदा कानून नगर निगम अधिकारियों के लिए भीड़ भाड़ वाले घरों, उपेक्षित शौचालयों तथा झोपड़ियों और अस्वच्छ गौशालों तथा अस्पतालों में संबंधित विभिन्न मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब जानते हैं कि ये बिल कैसे पास हुआ। इस बिल को जेम्स वेस्टलैंड की अध्यक्षता वाली एक समिति को भेजा गया, जिसने 4 फरवरी 1897 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये विधेयक पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा करने वाले सदस्यों में रहीम तुला मोहम्मद सियानी और दरभंगा के महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह थे। महामारी रोग अधिनियम के कुल 4 सेक्शन हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार समय समय पर संशोधित किया जाता है। महामारी रोग अधिनियम के 1897 आर्टिकल 2 के अनुसार जब यह निश्चित हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है, तब राज्य सरकार यदि यह समझती है कि मौजूदा विधि के साधारण उपबंध इसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह ऐसे उपाय कर सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे। राज्य सरकार बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा के लिए कई उपाय कर सकती हैं, जैसे यात्रा करने वाले व्यक्तियों की जांच करना। इस अधिनियम का आर्टिकल 2A केंद्र सरकार को भारत छोड़ने वाले तथा भारत पहुंचने वाले जहाज़ों का जांच करने का अधिकार देता है और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार को ऐसे जहाज़ों को बंद करने का अधिकार होता है। अधिनियम के आर्टिकल 3 में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को सजा देने का प्रावधान है। आर्टिकल 188 के समान सजा होगी। इसके तहत कम से कम 1 महीने और अधिकतम 6 महीने कैद और ₹1,000 के जुर्माने की सजा हो सकती है। इस अधिनियम के आर्टिकल 4 में कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण देने का प्रावधान है। कोविड-19 महामारी जो इस समय पूरे विश्व में फैली हुई है, इसके कारण भारत में महामारी अधिनियम में सजा के प्रावधान में बढ़ोतरी की गई है। तो ये थी पूरी जानकारी महामारी अधिनियम के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।